हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, यह न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जितने भी एग्जाम्स हैं, इन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, फायर एरिया में रहमत मियां किस गांव का रहने वाला है। पहले ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो नाम दिया गया है सतपुर, दूसरे में है रसूलपुर, तीसरे में है धर्मपुर और फोर्थ ऑप्शन में है औरंगाबाद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यानी रसूलपुर। आप सबको मालूम होना चाहिए कि फायर एरिया एक बहुत अहम नॉवेल है जो आप निसाब में इंक्लूड है और ये इलियास अहमद गदी का शाहकार नॉवेल है, याद रखेंगे इलियास अहमद गदी का ये शाहकार नॉवेल है। क्लियर हो गया सभी को। अब यहां पर आप सबको मालूम होना चाहिए कि इलियास अहमद गदी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी आपको मालूम हो कि आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। और यहाँ पे जिस नॉवल के बारे में हम लोगों ने बात की है, यानी फायर एरिया, इसकी इशाअत कब अमल में आई है, इसकी पहली इशाअत कब हुई है। तो पहली चीज आप नोट कर लेते हैं, आपकी जो पैदाइश हुई है नोट कीजिएगा, 1932 ईस्वी में झरिया धनबाद झारखंड में आपकी पैदाइश हुई है, याद रखना है। और आपका इंतकाल हुआ है 1997 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। आपका जो पहला अफसानवी मजमुआ है वो है आदमी, नोट कर लीजिए। और फायर एरिया जो आपका नॉवल है, इसकी इशाअत अमल में आई है 1994 ईस्वी। देखिए, क्वेश्चन का सिर्फ आंसर जानने तक आप अपने आप को अगर महदूद रखते हैं तो बहुत सारे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे आपको, उनको हल करने में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो मेरी राय तो यही कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिए तो सिर्फ आंसर तक जो है अपने आप को लिमिट मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके जहन में जो भी सवालात बन सकते हैं, आप अपने आप से भी किताबों का रेफरेंस लेते हुए उनको हल करने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं क्लास में करने की कोशिश करता हूँ। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उमराव जान का पहला मुजरा किसके यहाँ होता है। फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो नवाब जाफर अली खां है, सेकंड में नवाब सुल्तान अली खां है, थर्ड ऑप्शन में राजा शिव ध्यान सिंह है और फोर्थ ऑप्शन में नवाब शुजात अली खां है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप मुझे बताएंगे। बहुत अहम नॉवेल है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी नवाब शुजात अली खां। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज ये आपको मालूम हो कि उमराव जान अदा किसका नॉवल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी आपको साथ में मालूम हो, ये नॉवल जो है कब तख्लीक किया गया है, कब अमल में आया है, ये दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए तो पहली चीज नोट कर लेते हैं हम लोग, ये नॉवल जो है किसका है, मिर्जा मोहम्मद हादिर रुसवा का है। मिर्जा मोहम्मद हादिर रुसवा का ये शाहकार नॉवल है। ये नॉवल कब तख्लीक किया गया, तो 1899 ईस्वी में, याद रखेंगे। यूजीसी नेट के प्रीमिसर के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। मिर्जा मोहम्मद हादिर रुसवा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा 1858 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1931 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करबल कथा की पांचवी मजलिस में किसकी शहादत का जिक्र है। पहले ऑप्शन में है हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अब्बास हैं, इमाम हुसैन हैं, मुस्लिम बिन अकील हैं। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम सवाल है ये सभी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी मुस्लिम बिन अकील। करबल कथा के बारे में तो सबसे पहली चीज ये आप नोट कर लीजिए कि इसमें कुल कितनी मजलिसें हैं। दूसरी अहम चीज, करबल कथा के मुसन्निफ कौन है, ये किसकी तसनीफ है, दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए।
और इसी के साथ साथ में ये जो किताब है, ये जो तसनीफ है, ये कब लिखी गई है। चलिए तो पहली चीज हम लोग नोट कर लेते हैं, इसमें कुल कितनी मजलिसें हैं, तो याद रखना है 12 मजलिसें हैं। इसके मुसन्निफ कौन है, तो नोट कर लीजिएगा फजल अली खां फजली, नाम नोट कर लीजिएगा फजल अली खां फजली, नाम नोट कर लेंगे, क्लियर है सभी को। अब ये कब तसनीफ की गई, कब लिखी गई है, तो नोट कर लीजिएगा 1732-33 ईस्वी में। अब यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे और भी पूछा गया है, तो यहाँ पे बात किसकी हुई है, करबल कथा की। अगर आपसे पूछा जाए करबला नाम से एक ड्रामा है, करबला के उन्वान से एक ड्रामा है, और ये ड्रामा किसका है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए मुंशी प्रेमचंद का है। करबला जो ड्रामा है ये किसका ड्रामा है, मुंशी प्रेमचंद का है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ख्वाजा अमान देहलवी ने किसकी फरमाइश पर बोस्तान ख्याल का तर्जमा किया। फर्स्ट ऑप्शन आप देखें महाराजा शिवधान सिंह, मिर्जा गालिब है, नवाब रामपुर है, नवाब सईद खां है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। बोस्तान ख्याल बहुत ही अहम दास्तान है, आप सबको याद रखना होगा, इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म किए गए हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग ख्वाजा अहमान दहलवी का जो तर्जमा है वो कौन सा है, तो याद रखेंगे जो मशहूर है वो है हदायकुल अंजार। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में और पूछा भी गया कि हदायकुल अंजार बोस्तान ख्याल का तर्जमा है, इसके मुतरजिम कौन है, तो जवाब है ख्वाजा अहमान दहलवी। ऐसे ही इसका एक और तर्जुमा है जुबदतुल ख्याल, आपसे पूछा जा सकता है कि जुबदतुल ख्याल जो तर्जुमा है इसके मुतर्जिम कौन है, तो जवाब हो जाएगा आपका आलिम अली खां, नोट कर लीजिएगा आलिम अली खां, क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही के अशआर पतरस बुखारी के किस मजमून में शामिल है, हाल ही के अशआर पतरस बुखारी के किस मजमून में शामिल है। पहला ऑप्शन है मुरीदपुर का पीर, लाहौर का जुग्राफिया, थर्ड में है कुत्ते, और फोर्थ ऑप्शन में है सिनेमा का इश्क। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी मुरीदपुर का पीर, क्लियर हो गया सभी को। और आप सबको पतरस बुखारी के बारे में कई सारी चीजें जहन में होनी चाहिए। पहली चीज कि आपका नाम क्या है, बहुत अहम चीज है। इसी के साथ साथ में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये सभी चीज़ें आप मुझे बतलाएंगे। और इसी के साथ साथ में आपके मजामीन का जो मजमुआ है, मजामीन पतरस, कुल कितने मजामीन का मजमुआ है, तीनों चीज़ें आप क्लियर करेंगे। तो पहली बात हम लोग नोट कर लेते हैं, आपका नाम है सैयद अहमद शाह बुखारी, नाम नोट कर लीजिएगा सैयद अहमद शाह बुखारी, बहुत ज़रूरी चीज़ सुनना भी और लिखना भी। आपकी पैदाइश के बारे में बात करें तो 1898 ईस्वी में पेशावर पाकिस्तान में आपकी पैदाइश हुई है और 1958 में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। अच्छा 1958 में किस अहम शख्सियत मुजाहिद आज़ादी का इंतकाल हुआ है, तो आपको मालूम होना चाहिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का दिल्ली में। तो आप रिलेट करेंगे चीज़ें, जैसे मैंने पिछली क्लासेज में आपको बताया था 1869 में गालिब का भी इंतकाल हुआ है, और किसका हुआ है, शरीफता का भी हुआ है, ठीक है जी, रजब अली बेग सुरूर का हुआ है, तो तीनों चीजों को आप रिलेट कर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ में मजामीन पतरस कुल कितने मजामीन का मजमुआ है, तो याद रखेंगे 11 मजामीन का मजमुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तिरंदेशा अफलाकी नहीं है, तेरी परवाज लौलाकी नहीं है, ये माना असल शाहिनी है तेरी, तेरी आंखों में बेबाकी नहीं है, किस शेरी सना से ताल्लुक है। पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए क़िता है, दूसरे में रुबाई है, तीसरे में मुसद्दस है, और चौथे ऑप्शन में मुत्तसा है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, यानी रुबाई, नोट कर लीजिएगा। रुबाई जो है एक बहुत अहम शेरी सिंफ है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो पहली चीज हम लोग नोट कर लेते हैं रुबाई किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे रुबाई ऐसे सिंफ है जिसमें चार मिसरों में रुबा से बना है, यानी चार मिसरे ही होंगे, इसमें चार मिसरों में एक मुकम्मल मजमून अदा किया जाता। पहली बात तो ये है रुबाई के तमाम मिसरों में ख्याल मरबूत होता है और आखिरी मिसरे में ख्याल की तकमील होती है, इसलिए पूछा भी गया कि रुबाई का सबसे जोरदार मिसरा कौन सा होता है, तो याद रखना है चौथा, क्लियर है सभी को, बहुत अहम चीजें हैं आपको याद रखना है। अच्छा ये बात हो गई रुबाई के ताल्लुक से,
अब आप मुझे बताएंगे दर्ज वाला जो अशार दिए गए हैं यानी रुबाई जो दी गई है दर्ज वाला वो किस शायर की है, तो नोट कर लीजिएगा अल्लामा इकबाल की है। किसकी है? अल्लामा इकबाल की है। अल्लामा इकबाल के बारे में आप मुझे बता दीजिए सने विलादत और सने वफात बता दीजिए, और इसी के साथ साथ में अल्लामा इकबाल के शेरी मजमुओं के नाम भी आप मुझे बता सकते हैं। उसके बाद में अल्लामा इकबाल की कौन कौन सी नज़में हैं जो UGC नेट के निसाब में बिल्कुल क्लियरली मेंशन की गई हैं, उनके नाम भी आप मुझे बताएंगे। मैं देखना चाहता हूं क्या निसाब आपको क्लियर है या नहीं क्लियर है। चलिए तो पहली चीज हम लोग नोट कर लेते हैं, 1877 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल होना हुआ है। इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाला मशहूर शायर कौन है? तो जवाब आपका फैज अहमद फैज। क्लियर है सभी को? अब अल्लामा इकबाल के अगर हम शेरी मजमुओं की बात करें तो उसमें बांगे दरा, बाले जिब्रील, जरबे कलीम, अरमगान हिजाज ये बहुत अहम है, इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। क्लियर हो गया? अब अगर आपकी नज्मों की बात करें कौन कौन सी नज्में हैं जो कि शामिल हैं, तो उन्हें आपको नोट करना होगा। जैसे आपको नोट करना होगा लाले सहराई आपके निसाब में शामिल है, ठीक है। इसी के साथ साथ में शुआए उम्मीद भी आपके निसाब में शामिल है। शुआए उम्मीद के साथ साथ में लेनिन खुदा के हुजूर में, लेनिन खुदा के हुजूर में ये भी नज्में शामिल हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ में साकी नामा एक नज्म है, बहुत अहम नज्म है, साकी नामा ये भी निसाब में आपके हैं। और इसी के साथ साथ में ज़ौक़ो शौक ये नज्में जानना तो जरूरी है, लेकिन अहम चीज जो मैं यहां आपसे पूछना चाहता था एक दूसरी चीज, वो चीज ये है, ये जो नज्में हैं और ये जो नज्में हैं वो अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमे में शामिल हैं। एग्जाम में देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं तो ये भी जानना आपको जरूरी है, इसलिए मैंने इनको दो ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया। लाले सहराई, शुआए उम्मीद, लेन खुदा के हुजूर में ये जो नज्में हैं ये आपके अल्लामा इकबाल के एक मजमे यानी जरबे कलीम में शामिल है। जरबे कलीम में साकी नामा, ज़ौक़ो शौक ये दोनों नज्में जो हैं बाले जिब्रील में, किसमें हैं? बाले जिब्रील में है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जाने का नहीं शोर सुखन मेरे शोर सुखन का मेरे हरगिज, दरअसल मिसरों में से सही मिसरा की मदद से मीर का शेर मुकम्मल कीजिए। चार मिसरे आपको दिए गए, चारों को आप रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, ताहशर जहां में मेरा दीवान रहेगा। मीर तकी मीर के बारे में कौन नहीं जानता, अगर उर्दू शोरा के बारे में बात की जाए और मीर के बारे में गुफ्तगु ना हो तो आई थिंक जो है गुफ्तगु है मुकम्मल नहीं हो सकती है। मीर तकी मीर के बारे में कई सारी चीजें यहाँ पे जानेंगे, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या या मुझे बताइएगा, सब लोग बतलाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ में मीर के कुल कितने दीवान हैं ये भी आप मुझे बतलाएंगे। इसी के साथ साथ में उर्दू शोरा का पहला तज़किरा कौन सा ये भी आप मुझे बताइएगा, और इसी के साथ साथ में मीर की खुद नविश्त का नाम क्या है। तो पहली बात नोट कर लेते हैं हम लोग, 1722-23 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है, याद रखना है, और 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आप किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया है, तो जवाब आपका हो जाएगा नवाब आसिफुद्दौला। कब आए थे? 1781 ईस्वी में, याद रखिएगा। मीर के कुल कितने दीवान, अगर हम इसकी बात करें तो याद रखना है मीर के कुल 7 दीवान है, 6 उर्दू में है और 1 फारसी में है, नोट कर लीजिएगा। उर्दू शोरा का जो पहला तस्करा है वो है निकातु शोरा, तो याद रखने उर्दू शोरा का पहला तस्करा कौन सा? निकातु शोरा, फारसी जुबान में है। मीर की खुद नविश के बारे में बात करें तो वो है जिक्रे मीर, जो कि फारसी में, इसे भी नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उर्दू का इब्तदाई जमाना किसकी तसनीफ है, उर्दू का इब्तदाई जमाना किसकी तसनीफ है? पहला ऑप्शन आपके सामने शौकत सब्जवारी, दूसरे में शमशुर रहमान फारूकी, तीसरे मसूद हुसैन खां, और चौथे ऑप्शन में सैयद सुलेमान नदवी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शमशुर रहमान फारूकी। अब उर्दू अदब के ताल्लुक से कुछ अहम किताबों के नाम मैं आपसे पूछूंगा, उर्दू जुबान अदब की तारीख और लिसानियात के ताल्लुक से, खासतौर से उनके मुसन्निफीन के नाम बताइए। वो किताबें हैं जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुई, जैसे आपको बताना है किताब है मुकदमा तारीख जुबान उर्दू, आप चाहे तो इनको नोट कर लीजिए, बहुत अहम किताबें हैं।
मुकदमा तारीख जुबान उर्दू के मुसन्निफ कौन है, पहली चीज ये बताइए। दूसरी अहम किताब आप नोट करेंगे, तारीख अदब उर्दू, तारीख अदब उर्दू, इसके मुसन्निफ कौन है, क्लियर है सभी को। इसी के साथ साथ में हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, इसके मुसन्निफ कौन है, क्लियर हो गया। इसी के साथ साथ में दक्कन में उर्दू, दक्कन में उर्दू के मुसन्निफ कौन है। इसी के साथ साथ में पंजाब में उर्दू, पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ कौन है। इसी के साथ साथ में उर्दू शहपारे, उर्दू शहपारे के मुसन्निफ कौन है। और इसी के साथ साथ में हिंदुस्तानी लिसानियात, सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे, बहुत अहम फैक्ट है, जैसे बहुत अहम तसनीफात है। इसी के साथ साथ में उर्दू लिसानियात, देखिए हिंदुस्तानी लिसानियात, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, उर्दू लिसानियात, मिलते जुलते किताबें हैं और एग्जाम में पूछी भी गई हैं। इसी के साथ साथ में लिसानी मुताले, लिसानी मुताले के मुसन्निफ कौन है। और इसी के साथ साथ में आम लिसानियात, आम लिसानियात बहुत अहम किताबें हैं, इनके जवाब आपको जरूर मालूम होने चाहिए। चलिए एक एक करके सबको नोट भी हम लोग कर लेते हैं। तो पहली किताब है मुकदमा तारीख जुबान उर्दू, इसके मुसन्निफ है मसूद हुसैन खां, नोट कर लीजिएगा मसूद हुसैन खां, क्लियर है। तारीख अदब उर्दू के मुसन्निफ कौन है, तो जवाब आपका हो जाएगा जमील जालबी, नाम नोट कर लीजिएगा जमील जालबी। हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका के मुसन्निफ कौन है, तो सैयद एहतशाम हुसैन, सैयद एहतशाम हुसैन। दक्कन में उर्दू के मुसन्निफ कौन है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो जवाब आपका हो जाएगा नसीरुद्दीन हाशमी, नसीरुद्दीन हाशमी, नोट कर लीजिएगा नसीरुद्दीन हाशमी। पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ कौन है, तो जवाब आपका हो जाएगा महमूद शीरानी, नोट कर लीजिएगा महमूद शीरानी। उर्दू शहपारे के मुसन्निफ कौन है, तो जवाब आपका हो जाएगा मुहीउद्दीन कादरी जोर, मुहीउद्दीन कादरी जोर, नोट कर लीजिएगा। हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ कौन है, तो अगेन कौन है, मुहीउद्दीन कादरी जोर है। अच्छा, उर्दू लिसानियात के मुसन्निफ कौन है, तो जवाब आपका हो जाएगा शौकत सब्जवारी, नोट कर लीजिएगा, क्लियर है। लिसानी मुताले और आम लिसानियात, इन दोनों के मुसन्निफ कौन है, तो जवाब आपका हो जाएगा ज्ञान चंद जैन, नाम नोट कर लीजिएगा ज्ञान चंद जैन, क्लियर है सभी को। अब देखिए कुछ किताबें ऐसी जो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, जैसे हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, ध्यान रखना है किसकी है, हिंदुस्तानी लिसानियात सिर्फ पूछा जाएगा तो मुहीउद्दीन कादरी जोर की है। ऐसे उर्दू लिसानियात किसकी है और आम लिसानियात किसकी कैसी हैं, ये ऐसी तसनीफात हैं जो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, इसलिए इनमें कन्फ्यूजन होता है, इन्हें आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानी कैद की कहानी में फूल कली कौन है। पहला ऑप्शन आपके सामने है कुंवर की माँ, दूसरे में कैतकी की माँ, तीसरे में है मालन और चौथे में हीरोइन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन जो है, करेक्ट हो जाएगा। रानी कैद की कहानी जो है बहुत अहम किताब है, तो सबसे पहली चीज ये जो दास्तान है ये कब लिखी गई है, किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, दोनों चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो पहली बात नोट कर लीजिएगा, ये दास्तान लिखी गई है 1803 ईस्वी में, और किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, तो उसे भी नोट कर लीजिएगा, नवाब हुसैन अली खां, नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर लिखी गई। इस दास्तान के मुसन्निफ कौन है, तो जवाब हो जाएगा इंशाउल्लाह खां इंशा, जिनकी पैदाइश हुई है 1752 ईस्वी में, नोट कीजिएगा, मुर्शिदाबाद में, और 1817 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेनजीर किस ड्रामे का किरदार है, बेनजीर किस ड्रामे का किरदार है, जहाक, अनारकली, यहूदी की लड़की, आगरा बाजार। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी आगरा बाजार। जहा किसका ड्रामा है, मोहम्मद हसन का, अनारकली इम्तियाज अली ताज का, यहूदी की लड़की आगाश काश्मीरी का, उर्दू ड्रामे के शेक्सपियर, आगरा बाजार हबीब तनवीर का। आगरा बाजार ड्रामा कब लिखा गया है, तो 1954, और कब खेला गया था, स्टेज पर पेश किया गया था, 1954 ही में, याद रखना है आपको, क्लियर हो गया। जामिया मिलिया में हबीब तनवीर की पैदाइश के बारे में अगर हम लोग बात करें तो याद रखेंगे 1923 में रायपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 2009 में भोपाल में आपका इंतकाल हुआ है। अब यहाँ पे जो और ड्रामे दिए गए, जैसे जहाक है, अनारकली, इनकी मुसन्निफीन जो हैं,
उनकी भी सन पैदाइश और सन वफात अपने जहन में आप रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, क्या वो आपको मालूम है या नहीं मालूम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सर सैयद ने लंदन के सफर का आगाज हिंदुस्तान के किस शहर से किया था? पहला ऑप्शन आपके सामने गाजीपुर, दूसरा अलीगढ़, तीसरा बनारस और चौथे ऑप्शन में है मुरादाबाद। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिए हमारा थर्ड ऑप्शन यानी बनारस। बनारस से कब किया था यह भी आपको मालूम होना चाहिए, तो नोट कर लीजिएगा 1869 में अपने सफर का आगाज बनारस से आपने किया था। अच्छा, सर सैयद के सफरनामे का उनवान क्या है, तो नोट कीजिएगा मुसाफिराने लंदन। ठीक है जी, आपसे पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है मुसाफिराने लंदन किसका सफरनामा है, तो सर सैयद अहमद खां का सफरनामा है। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए इब्न बतूता के ताकुब में, इब्न बतूता के ताकुब में ये किसका सफरनामा है, तो जवाब आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे ही जापान चलो जापान चलो, जापान चलो जापान चलो किसका सफरनामा है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही साहिल व समंदर ये किसका सफरनामा है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसी के साथ साथ में सफरनामा रोम और मिस्र शाम ये किसका सफरनामा है, ये भी आपके जहन में बिल्कुल अजबर होने चाहिए। तो इन सफरनामों के मुसन्निफीन के नाम आप मुझे बतलाएंगे। क्लियर है सभी को। सर सैयद के सन विलादत नोट कर लीजिए, अहम है। 1817 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रानी सुकुंती और दीद बानो किस मसनवी के किरदार हैं? कुतुब मुश्तरी, फूलबन, कदम राव पदम राव, बुकेट कहानी। ठीक है, विकट कहानी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फूलबन। फूलबन मसनवी जो है कब लिखी गई है, तो नोट कर लीजिएगा 1655 ईस्वी में, और इसमें किसकी मसनवी है, इब्ने निशाती की, जिनका असल नाम है शेख, बहुत अहम क्वेश्चन है, शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन। ठीक है, नाम नोट कर लीजिएगा, ये नाम है। क्लियर है सभी को। कुतुब मुश्तरी आप सबको मालूम होगा किसकी मसनवी है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए एक इक्तिबास आपको दिया गया, पूछा गया है कि ये इक्तिबास किस मजमून का है। पूरे इक्तिबास को आप रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे जवाब दीजिएगा। इक्तिबास में देखिए पढ़ सकते हैं आप, बरसात की सड़ी गर्मी पड़ रही हो, किसी घरेलू तकरीब में आप देखेंगे कि महल्ला नहीं कस्बे की औरतें, ख्वाह किसी साइज उम्र मिजाज या मसरफ की हो, रौनक अफरोज, बताने की जरूरत नहीं कि हर औरत की गोद में दो एक बच्चे और जुबान पर 5-7 कलिमात खैर जरूर होंगे। कितनी ज्यादा औरतें कितनी कम जगह में आ जाती हैं उसका अंदाजा कोई नहीं कर सकता, ये इक्तिबास किस मजमून का है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट यानी चारपाई। नोट कर लीजिएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी चारपाई। क्लियर हो गया सभी को। अच्छा, ये सही मजमून किसका है, तो मालूम होना चाहिए रशीद अहमद सिद्दीकी का है। रशीद अहमद सिद्दीकी बहुत अहम है, आपकी बहुत सारी अहम किताबें हैं, आपकी खुद नविश का नाम बता दीजिए मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी खुद नविश का नाम क्या है, मैं और भी कुछ खुद नविश के नाम पूछता हूँ, उनके जवाब आप दीजिएगा। जैसे यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है, ऐसे ही ख्वाब बाकी हैं किसकी खुद नविश्त है। ठीक है जी, ख्वाब बाकी हैं किसकी खुद नविश्त है। इस आबाद खराबे में, इस आबाद खराबे में किसकी खुद नविश्त है। मुशाहिदात जिंदा किसकी खुद नविश्त है, मुशाहिदात जिंदा किसकी खुद नविश्त है। वरूद मसऊद किसकी खुद नविश्त है, बहुत अहम है ये सब आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए, इनके जवाब आप दीजिएगा, इन क्लास में डिस्कस करते रहते हैं। तो यहाँ पे रशीद अहमद सिद्दीकी खुद नविश का नाम नोट कीजिएगा, आशुफ्ता बयानी मेरी, आशुफ्ता बयानी मेरी ये किसकी खुद नविश थे, तो जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हर एक खार है गुल, हर गुल है सागर आयश, हर एक दश्त चमन, हर चमन बहशत नजीर, ये शेर दौकी राया कसीदा के किस जुज से माखूज है। पहला ऑप्शन आपके सामने खात्मा, दूसरे में तशबीब, तीसरे में गुरेज और चौथे ऑप्शन में मद है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप मुझे बताइएगा। तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी तशबीब। शेख मोहम्मद इब्राहिम दौक बहुत अहम नाम है, आपकी पैदाइश के ताल्लुक से याद रखेंगे 1789 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1854 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
हल्के और बाबे ज़ौक का पहला इजलास किसके घर पर मुनाकिद हुआ? फर्स्ट ऑप्शन में आपके सामने मीरा जी हैं, दूसरे में नसीर अहमद जामी हैं, तीसरे में नून मीम राशिद हैं और चौथे ऑप्शन में एजाज हुसैन बटालवी हैं। हालांकि इस फैक्ट को हम पिछली क्लास में बता चुके हैं, तो जवाब हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी सैयद नसीर अहमद जामी के घर पर इसका क्याम अमल में आया था। क्याम कब अमल में आया था तो नोट कर लीजिएगा, 29 अप्रैल 1939 को कहां आया था? लाहौर में। तो दोनों चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तानी तरक्की पसंद तहरीक दुनिया में तरक्की पसंदी की तहरीक इश्तराकियत के उसूलों के प्रचार, फासिज्म के खिलाफ तमद्दुनी और अदबी महाज कायम करने की तहरीक का एक हिस्सा है, यह बयान किस तरक्की पसंद नकाद का है? पहला ऑप्शन आपके सामने मोहम्मद हसन है, दूसरे में एहतशाम हुसैन है, तीसरे में कमर रईस हैं और चौथे में मुमताज हुसैन हैं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी सैयद एहतशाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयत नगमात किस शायर का शेरी मजमुआ है? आयत नगमात किस शायर का शेरी मजमुआ है? फिराक गोरखपुरी, जोश मलिहाबादी, फानी बदायूनी, जिगर मुरादाबादी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी जोश मलिहाबादी। जोश बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पहली चीज ये बताइएगा कि आपका नाम क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, इसी के साथ साथ में आपके वालिद का नाम क्या है, इसी के साथ साथ में आपके दादा का नाम क्या है और इसी के साथ साथ में आपके परदादा का नाम क्या है, इसी के साथ साथ में आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, इसी के साथ साथ में आपकी खुद नविश्त का नाम क्या है, आपकी खुद नविश्त का नाम क्या है, ये भी आप मुझे बताएंगे। एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज, आपका नाम है शब्बीर हसन खान, नोट कर लीजिएगा शब्बीर हसन खान। आपकी पैदाइश हुई 1896 ईस्वी मलिहाबाद लखनऊ में और 1982 ईस्वी में इस्लामाबाद पाकिस्तान में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम क्या, तो नोट कर लीजिएगा बशीर अहमद खान, बशीर अहमद खान, क्लियर है। आपके दादा का नाम क्या, मोहम्मद अहमद खान, मोहम्मद अहमद खान। आपके परदादा का नाम क्या, फकीर, एग्जाम में पूछा गया फकीर मोहम्मद खान, फकीर मोहम्मद खान गवैया, क्लियर है। आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, तो वो है रूहे अदब, पहला शेरी मजमुआ है रूहे अदब। आपकी खुद नविश का नाम क्या है, तो वो है यादों की बारात, यादों की बारात 1972। और याद रखेंगे ये खुद नविश जो है 5 अबवाब पर मुश्तमिल है। कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, 5 अबवाब पर मुश्तमिल है। देखिए यहाँ पे जितने भी शोरा के नाम दिए गए ऑप्शन सभी इंपॉर्टेंट। फिराक गोरखपुरी, असल नाम क्या, रघुपति सहाय, ये भी आपको याद रखना। उर्दू का पहला ज्ञानपीठ इनाम जो मिला है फिराक गोरखपुरी को मिला है 1969 में, उनके मजमू कलाम गुले नगमा के लिए। फानी का नाम क्या है, शौकत अली खान, ये भी बहुत अहम है। बदायूं में पैदाइश हुई, हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। जिगर मुरादाबादी बहुत अहम नाम है, आपका असल नाम पूछा गया एग्जाम में है, तो आपको याद रखना है अली सिकंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मावरा की इशात किस सन में हुई, मावरा की इशात किस सन में हुई? पहला ऑप्शन आपके सामने 1941, दूसरा 1960, तीसरा 1961 और चौथा है 1962। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी 1941। मावरा जो है किसका शेरी मजमुआ है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए नून मीम राशिद का, यानी नजर मोहम्मद राशिद का। नजर मोहम्मद राशिद के बारे में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो नोट कीजिएगा, 1910 ईस्वी में पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1975 ईस्वी में लंदन में आपका इंतकाल हुआ है। आपके दीगर शेरी मजमुओं के बारे में बात करें तो उसमें याद रखना है ईरान में अजनबी, ये है साथ में आपके, इसी के साथ साथ में ला बराबर इंसान है, ये भी आपका शेरी मजमुआ है, और इसी के साथ साथ में गुमान का मुमकिन है, गुमान का मुमकिन, तो ये अहम शेरी। ईरान में अजनबी के साथ अगर हम बात करें तो 1955 में शाय हुआ। ला इंसान के बारे में बात करें तो ये 1969 में आप नोट कर लीजिएगा। गुमान का मुमकिन 1977 नोट कर लेंगे, बहुत अहम फैक्ट है ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुनो सखियों की रुत आ सोज आई, प्यारे की खबर अब लग न पाई, किस मसनवी का शेर है? गुलजार नसीम ऑप्शन में है, वो तो मुश्तरी है, ठीक है, बिकट कहानी है, कदम राव पदम राव है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी बिकट कहानी अफजल झंझानवी की। अगला क्वेश्चन देखिए, जमीला
किस शहजादी का शहजादी की मां का नाम है? पहला ऑप्शन है अंजुमन आरा, दूसरा है बकावली, तीसरा है बद्र मुनीर और चौथे ऑप्शन में है मेहर निगार। तो सही जवाब क्या हो जाएगा नोट कर लीजिएगा हमारा, दूसरा ऑप्शन यानी बकावली। बकावली जो किरदार है किस मसनवी का है तो मालूम होना चाहिए, गुलजार नसीम। गुलजार नसीम किसकी मसनवी? पंडित दया शंकर नसीम की मसनवी, बहुत अहम मसनवी है। तो आज के सेशन में, आज की इस क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले उर्दू की हर एग्जाम में आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कर दीजिए उन सभी स्टूडेंट के साथ में, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है जिन्हें अभी हमारे चैनल के बारे में मालूमात हासिल नहीं है। तो आप सभी लोग जरिया है कि इस क्लास को खूब स्प्रेड कीजिए, इस मैसेज को खूब फैलाइए, ताकि वो सभी भी जो उर्दू के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कम से कम रेगुलर क्लास इस तरह से मिलती रहे और क्वेश्चन भी लेवल के हों, ताकि वो चाहे वो आपका यूजीसी नेट हो, अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली बाकी एग्जाम अपने आप से आपके लगभग लगभग कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।